बहुत बड़ी खुशखबरी आपको मिल सकती है जल्दी ही। बात कर रहे हैं कैबिनेट में हुए बदलावों का, पत्र पहुंचा आयोग के पास, एक दो दिन में जारी हो सकता है अल्टी भर्ती का विज्ञापन। पूरी खबर क्या है इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, तो मेरे साथ आप अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, जैसे कि आपको पता है कि कल क्या 4 मार्च को अधिसूचना जारी हुई है, जहां पर जो नियमावली है कला वर्ग की, वो जो है संशोधित कर दी गई है, और जिसकी वजह से भर्ती का विज्ञापन रुक रहा था। तो इसी सिलसिले में आप देख सकते हैं कैबिनेट में हुए बदलावों का पत्र पहुंचा आयोग के पास, एक दो दिन में जारी हो सकता है अल्टी का विज्ञापन। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि आयोग अल्टी की नई भर्ती निकालने की तैयारी में है। इसके लिए प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, आगामी एक दो दिन में नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। यानी कि जैसे कि हमने पहले भी कहा था, इसी वीक जो है विज्ञापन जारी हो सकता है। दरअसल हाईकोर्ट के आदेश के बाद एलटी भर्ती में बीएड संबंधी संशोधन पर कैबिनेट ने मुहर लगाई थी। कैबिनेट के फैसले संबंधी जानकारी आयोग को नहीं मिल पाई थी, इस वजह से एलटी के 272 पदों पर भर्ती का अधियाचन लटका हुआ था। अब शासन और कैबिनेट स्तर से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हरी झंडी मिलने के बाद अब जो है इसका काम जो है कंप्लीट हो चुका है। अब एक दो दिन में एलटी भर्ती का विज्ञापन आपको देखने को मिल सकता है। उसके अलावा यहाँ पर जो एक दूसरी बड़ी और खबर है कि युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल भर्ती में एक और मौका युवाओं को दिया जा रहा है। 11 मार्च और 12 मार्च को यहां पर फिर से फिजिकल स्टार्ट होंगे। स्पेशली जो इसका विज्ञापन था उसमें पदों की संख्या में संशोधन हुआ है, यानी कि जो जनरल के कैंडिडेट हैं उनको भी ऐड किया गया है, जिस वजह से एक बार फिर से यहाँ पर जो है आयोग इनका फिजिकल कराएगा। तो ये दो बड़ी अपडेट थी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।